आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। करौली में ओवरलोड सवारियों से भरी जीप पलटी, कांग्रेस से नाराज राजपूत, फायरिंग में धुआं धुआं हुआ सेक्टर 62। अब खबरें विस्तार से। करौली जिले में एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ जिसमें एक की मौत हो गई, साथ ही इस हादसे में एक बच्चा सहित 10 लोग घायल हो गए। हादसा नारायणपुर टटवार सड़क मार्ग पर डग्गे मार ओवरलोड जीप और बाइक के बीच हुआ। दरअसल केवी ग्रिड स्टेशन के पास 20 से 22 सवारियों से भरी तेज रफ्तार ओवरलोड जीप बाइक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजस्थान दौरे पर रहे, इसके बाद राजपूत सभा के नेता ने कहा कि राहुल ने हमें वादा किया था ज्यादा टिकट का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब राजपूत समाज सोचेगा किस पार्टी के साथ जाना है। NCR स्थित नोएडा के सेक्टर 62 में जयपुरिया कॉलेज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मोहित नाम के बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।